Good morning, students. Today we are going to learn poem A Roadside Stand from the book Flamingo. So students, we are going to start. Here you can see the little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic spat. A roadside stand that too pathetically plat. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering fail. The polished traffic pass with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint. Here you can see pathetically, the meaning, pathetically meaning is in a way that arouses pity, especially by displaying sadness. Dole of bread means a tiny portion of bread, a piece of bread. Mud means spoil. There was a small house with a new shed outside it. यहाँ पर एक small house है जिसमें एक नया shed है, एक नई छांव के लिए चीज दे रखी है उसके बाहर. The road was busy with cars and other vehicles moving here and there. जो road है बहुत ज़्यादा busy है और वहाँ के जो vehicles हैं वो move कर रहे हैं इधर उधर, और ये बीच में ही है, घर के बाहर के साइड में है. एक शेड लगा के वो लोग एक एग्जीबिशन रिप्ले कर रहे हैं, एक कॉन्सर्ट है जो वो दिखा रहे हैं यहाँ पे. Next is, the shed was built to display items on sale. Shed किस लिए लगाया था? ताकि वो डिस्प्ले कर सके एक आइटम की, एक एग्जीबिशन लगा सके फॉर सेलिंग. एंड द ओनर एक्सपेक्टेड द पासिंग व्हीकल्स टू स्टॉप बाय एंड बाय द थिंग्स और एटलीस्ट हैव अ लुक एट देम. और जो वहाँ के ओनर हैं, जिन्होंने शेड लगाया था, जो वो वहाँ का ओनर है, उसने क्या करा, उसको एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो व्हीकल्स यहाँ से आ रहे जा रहे हैं, जो मूविंग ऑन में है व्हीकल्स, वो शायद स्टॉप होके उसको देखें, उसके आइटम्स को, और आइटम्स ना भी देखें तो एटलीस्ट एक बार उसका लुक तो लें, खरीदे नहीं तो कम से कम एक बार ग्लिम्स, एक बार एक झलक तो देख के जाएं उसकी के क्या रखा है वहाँ पे, क्या कर रहे हैं वो. द कंडीशन ऑफ द शेड अराउज वंस पिटी बिकॉज इट डिस्प्ले द सैड फीलिंग्स ऑफ द ओनर हु वाज डेस्परेट टू अर्न सम मनी. कंडीशन जो है शेड लगाने की, वो जो शेड अराउज हुआ उसके दिमाग में ये चीज़ आई, वो क्यों आई, बिकॉज ये डिस्प्ले है एक सैड फीलिंग का, एक इमोशन है, ग्लूमी हो रहा है वो ऑथर जो है, वो जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा ग्लूमी हो रहा है, मतलब उसके अंदर इमोशंस जो है सैड वाले हैं, वो बहुत दुखी है, और ओनर के जो इमोशंस यहाँ डेस्परेटली रिप्रेजेंट करना चाहता है वो, ताकि कुछ मनी अर्न कर सके. मतलब यहाँ पर उसने सेल लगाई है, वो इसलिए लगाई है एग्जीबिशन कि कोई आके वहाँ पर खरीदे, और अगर खरीद भी नहीं रहा तो एटलीस्ट एक लुक, एक ग्लिम्स तो उसकी लेकर जाए, एक झलक तो दिखाए वो अपनी ये आइटम्स उसने लगाए हैं जस्ट फॉर अर्निंग सम मनी. दे डिड नॉट सीक एनी फेवर और पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द सिटी. अब यहाँ तक वो इसमें कोई भी फेवर वो नहीं कर पाए, मतलब व्हीकल्स जो आ रही जा रही हैं उन्होंने कोई भी इतना सा भी उनको फेवर नहीं किया, ना ही कोई इतना सा कर पाया कि एक पीस ऑफ ब्रेड, मतलब एक खाने का दाना तो उनको दे जाता, इतना भी उनकी कमाई, इतने भी उनकी अर्निंग नहीं हुई फ्रॉम द सिटी, सिटी लोगों से, सिटी पीपल से. बट वॉन्टेड सम मनी बिकॉज द फ्लो ऑफ मनी हेल्प्स एवरी वन टू यूज इट. उसका ओनर का मानना ये है, पोइट का मानना ये है कि कुछ चाहना है, मतलब उसको जो पैसा है, कुछ पैसा चाहना है, क्योंकि जो मनी का फ्लो है ना, मनी का जो आना जाना है वो होना चाहिए लाइफ में, उसके बिना कुछ नहीं है. उसका मानना यह है कि मनी इज एवरीथिंग फॉर हिम. जिस चीज़ की कमी हमारे पास होती है, हमारे को वही चीज़ चाहिए होती है, तो मनी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. बिकॉज मनी हेल्प्स एवरी वन टू यूज़ इट. अगर वो होगा तो बंदा यूज़ भी करेगा उस चीज़ को, अगर वो यूज़ नहीं कर रहा है इट मीन्स उसके पास है ही नहीं, तो इसलिए उसको अर्निंग चाहिए थी. And benefit from it, और जो भी उससे benefit होते हैं after getting money, after earning money, तो वो benefit उसको चाहिए थे, लेकिन वो उसको मिले नहीं. Just like the money with the city people helps them lead a better life. और जैसे कि city वाले लोग ही, city people से अगर वो money earn करता तो it will be better for him. उन्होंने अपनी जगह से ही पैसा कमाया तो it leads a better life.
Similarly, if it will flow from their pockets into the pockets of shed owner, और यही होता कि एक जेब से दूसरी जेब में जब जा रहा है तो एक जेब से जो moving निकल है उनकी जेब से अगर वो owner के वाली shed owner की जेब में जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं remove हो रहा है और movable है, ये चीज़ होनी भी चाहिए for our beneficial, for our benefits. It will benefits his life too. उसकी life में भी ये beneficial रहता, जो दे रहा है उसके में भी और जो पा रहा है उसके में भी. The cars that pass by are sparkling, but they never notice the shed. जो shed उसने लगा रखा है, cars जो है वहाँ से passing off हो रही थी, लेकिन कोई भी notice, कोई भी observe नहीं कर रहा था उस shed को कि एक बार जाकर तो देखें वहाँ पे. They are thinking of their destination only. वो सिर्फ और सिर्फ अपने destination, यहाँ से वहाँ पहुँचना है. सबका दिमाग बस यही था कि हमें सिर्फ destination पे पहुँचना है. If by chance they do stop at the shed, यदि कोई वहाँ पे रुक रहा है by chance, अगर कोई ऐसा है कि रुक गया वहाँ पे shed के पास में, तो they just complain that the shabby paint of the huts and sheds there has spoiled the beauty of the landscape. वो ये बताने के लिए रुके हैं कि बहुत गंदा पेंट है यहाँ पे तुम्हारा, शैबी पेंट है हट का, जो तुमने यहाँ पे पेंट किया है वो बहुत गंदा है और जो शेड है वो स्पॉइल कर रही है यहाँ लैंडस्केप की ब्यूटी, जो इसके पीछे की ब्यूटी है वो तुम्हारे शेड ने स्पॉइल कर दी है हमारे लिए. ये बताने के लिए लोग रुके हैं. नाउ द नेक्स्ट इज ऑफ साइंस दैट विद एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग offered for sale wild berries in wooden quartz or crook neck golden squash with silver watch or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why? Why keep your money this crossly and go along the heart to the scenery wouldn't be my complaint. Here squash means a fruit, what's means a small growth on outer surface. उसने एक छोटी सी ग्रोथ मांगी थी आउटर सरफेस में, बाहर के इलाके में, कि छोटी सी मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ तो करने दे. Crossly in an annoyed or angry way, किसी की avoidance means. Here the poet says that as the people living in these sheds are poor, their surroundings are not well maintained. यहाँ पर poet ये कहना चाहता है कि जैसे लोग वहाँ रह रहे हैं उस शेड्स के आसपास, उनकी जो सराउंडिंग्स है ना उनकी बहुत ज़्यादा पुअर लगी, उसको बहुत ख़राब लोग लगे. आर नॉट वेल मेंटेन, वो वेल मेंटेन भी नहीं है. इवन द साइन बोर्ड्स इंडिकेटिंग डायरेक्शंस ऑफ नॉर्थ, जो साइन बोर्ड्स है ना वो इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शंस. ऑलरेडी मैप होता है लगा हुआ कई साइन बोर्ड्स पे, तो वहाँ पे नॉर्थ का डायरेक्शन ऑलरेडी इंडिकेटिंग है, साउथ का पॉइंट वो रखा है टुवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन. मतलब कि वो इतना अनवेल है कि वहाँ पे डायरेक्शंस भी गलत शो हो रखे हैं. जो नॉर्थ है वो साउथ दिखा रहा है, जो साउथ है वो नॉर्थ दिखा रहा है, रॉन्ग टर्न दिखा रहे हैं. द शेड्स हैव फार्म प्रोड्यूस ऑन सेल वाइल्ड बेरीज. अब जो शेड था ना जो फार्म प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब जो आइटम्स उसे सेलिंग के लिए लगा रखे थे, प्रोड्यूसिंग के लिए लगा रखे थे, वो क्या थे? उनमें वाइल्ड बेरीज थी, गोल्डन स्क्वैश फ्रूट थे विद सिल्वर कलर्ड मार्क्स ऑन इट एंड कैप्ड इन वुडन बास्केट, और वुडन बास्केट्स में उनको रखा गया था. The place is beautiful and people should stop here and enjoy the mountain scenery. वहाँ की जो place है बहुत ही beautiful है, बहुत ही beautiful थी, and people should stop here. और लोग वहाँ रुक भी रहे थे, stopping हो रही थी उनकी, और enjoy कर रहे थे किसको? Mountain scenery को, उनके items को नहीं, उनके exhibition को नहीं, सिर्फ वो वहाँ पे scenery को enjoy कर रहे थे. If they have money, then they should buy some things. But if they are selfish, देखो यदि आपके पास अगर पैसा है तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू अस अपने को वो चीज़ लेनी चाहिए, खरीदनी चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू बाय, और पैसा भी है तो ठीक है, ताकि वो दूसरे की हेल्प हो सके. लेकिन अगर इफ दे आर सेल्फिश, अगर सेल्फिश ही निकलोगे तो कैसे दूसरों की हेल्प करोगे? यू कांट, क्योंकि वो इंटरनल फीलिंग होती है, वो एक गट फीलिंग होती है हमारी, इंटर्न से आती है वो, हम जाते हैं, फर्टाइल है वो अनफर्टाइल नहीं है. वो जो बिल्कुल इमोशनलेस इंसान है, यूजलेस इंसान है, उसको नहीं मिलेगा. जो सेल्फिश है ना उसको आएगी नहीं वो फीलिंग. तो दैन दे शुड कीप देयर मनी विद themselves, और वो सेल्फिश है तो वो अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने पास ही रखना चाहेंगे, उसको वहीं सेव करना चाहेंगे. एंड नॉट स्टॉप देयर, और वो वहाँ पर स्टॉप भी नहीं होंगे, आते जाते रहेंगे, बट उसको देखकर वो शेड के लिए नहीं रुकेंगे, जस्ट फॉर देयर हेल्प. द पोएट सेज दैट ही डज नॉट कंप्लेन दैट द शेड्स हैव स्पॉइल्ड द सीनरी ऑफ द प्लेस. पोएट ये बताते हुए ये भी कह रहा है कि वो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ,
वहाँ पे शेड जो उनकी सीनरी को स्पॉइल कर रहा है. आई एम नॉट हेयर कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट सेइंग देयर फीलिंग्स, व्हाट दे वांट टू बी एंड व्हाट द पीपल आर. सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेट हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is sad to be keeping from us. Here, what does it mean? The poet says that these people who have opened the shed are keeping faith in a promise which was never done to them. ये पोइट ही बता रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं ना उनके जब उसने शेड ओपन किया था तो बहुत फेथ रखा था उसने, अपना एक बहुत अच्छा सा फेथ रखकर उसने एक प्रॉमिस लेकर विच वॉज नेवर डन टू देम, और उसने एक प्रॉमिस भी लिया था कि हाँ मैं कुछ यहाँ से अर्न करके ही निकलूँगा, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो डन नहीं हुआ. हेयर द प्रॉमिस इज देयर एक्सपेक्टेशन दैट द कार्स पासिंग, उसका प्रॉमिस क्या था कि उसकी एक्सपेक्टेशन थी जो कार्स वहाँ से पास हो रही हैं बाय विल स्टॉप, वो स्टॉप होंगी शेड को देखेंगी एंड सम स्टफ फ्रॉम देम, और कुछ वहाँ से आइटम्स भी लेंगे. बट दे हैव बिल्ड दिस शेड फार फ्रॉम द सिटी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या थी, इसी वजह से उन्होंने सिटी से दूर, सिटी से फार होकर वो शेड ओपन किया था. एंड दे एक्सपेक्ट दैट द सिटी पीपल विल फ्लो, सिटी पीपल विल फ्लो सम मनी आउट ऑफ देयर पॉकेट्स, कि सिटी के जो लोग हैं ना वो वहाँ पर आएंगे और अपनी पॉकेट से मनी निकाल कर हमारी हेल्प करेंगे शायद से, इन टू द हैंड्स ऑफ द शेड ओनर, शेड ओनर की हैंड में देंगे. द शेड ओनर वॉन्ट्स टू फील द मनी, लेकिन जो शेड ओनर थे वो क्या है, मनी फील करना चाहते थे उनके खुद के हैंड में, उन्होंने कभी देखा नहीं था, उनके पास इसी चीज़ की कमी थी तो वो अपने हाथों में फील करना चाहते थे खुद का पैसा. जस्ट लाइक दे सी इन पिक्चर्स दैट द, जैसे कि हम मूवीज ड्रामाज इनमें देखते हैं, उनमें पिक्चर्स में देखते हैं कि वन हु वर्क्स हार्ड, जो हार्ड वर्क करेगा वो कुछ अचीव भी करेगा, बहुत जल्दी उसको सक्सेस मिल जाती है ना क्विक वे, तो क्विक सक्सेस वो पा लेते हैं, क्विक मनी वो पा लेते हैं. तो उन्होंने इसी एक्सपेक्टेशन के साथ में ये शेड भी लगाया था. दे हैव लेट देयर ट्रस्ट ऑन दीज आइडियाज एंड एक्सपेक्ट टू गेट सम मनी, और ये सब कुछ उनके साथ गलत हो गया, उनको कोई सक्सेस नहीं मिली, उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं करा और उनके कोई आइटम भी, आइडिया भी उनका फेल हो गया, कोई आइटम भी सेल आउट नहीं हुए. फ्रॉस्ट एड्स दैट द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर हैज स्टॉप द फ्लो ऑफ कैश. फ्रॉस्ट का, फ्रॉस्ट ये भी वर्ड ऐड किया है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर में जो है उनको स्टॉप हो जाना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए जो कैश फ्लो यहाँ हो रहा है, जो फ्लो ऑफ कैश यहाँ पर हो रहा है फ्रॉम द सिटी ड्वेलर्स टू द रूरल पीपल, जो रूरल पीपल को दिए जा रहे हैं वो भी स्टॉप कर देना चाहिए. उनका मानना ही है कि उनको ये लग रहा है शायद इस वजह से पोइट का मानना ये हो गया कि वो मेरी हेल्प नहीं कर रहे, इट मीन्स वो पैसा उनका रूरल पीपल में जा रहा है तो वहाँ पर ले जाना स्टॉप कर दो ताकि वो मेरी हेल्प तो करते कम से कम. उसने गलत सोच लिया. इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन are to be bought out and mercifully gathered into live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore. While greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. Here, kin means of one's family and relations. Beneficent means generous or doing good, कुछ अच्छा करना. Beast of prey, an animal killing other animal, hunting. Out of their wits, their perplexed or terrified state. It is in the news that soon all these sheds and huts will be bought by the government. अब ये बहुत जल्दी न्यूज में ये चीज आ गई थी कि सारे जो sheds और जो huts है ना वो क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू खरीदे जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट बाय कर लेगी. एंड दीज पीपल विल बी रीलोकेटेड टू द विलेजेस, और इन लोगों को जो शेड वाले लोग हैं, हट्स वाले लोग हैं, उनको रीलोकेट कर देंगे कहाँ पर, विलेजेस में. नियर देयर हाउसेज देयर विल बी मूवी थिएटर, उनके घर के पास में मूवी थिएटर को ओपन करेंगे और ग्रॉसरी स्टोर भी करेंगे. दे विल बी सो हैप्पी देयर,
दैट दे विल विन, दे विल नॉट वरी अबाउट देयर फ्यूचर. उनको फ्यूचर की टेंशन थी इसीलिए उसने शेड ओपन किया था कि कुछ अर्निंग हो जाए. लेकिन अब इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम उसको खरीद लेंगे इनके हट्स वगैरह और वो लोकेटेड कर देंगे कहाँ पे, नियर द विलेजेस. और विलेजेस के पास जाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे मूवी थिएटर कर देंगे, ग्रॉसरी स्टोर कर देंगे, ताकि उनको यहाँ से उधर जाना नहीं पड़े. जो शिफ्ट करते हैं इतना दूर तो ट्रैवलिंग का पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, तो वो चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि वो लोग वहाँ खुश रह सकें और दे विल नॉट वरी अबाउट देयर फ्यूचर. उनको फ्यूचर की भी टेंशन ना हो. द पोइट सेज ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट. पोइट का मानना है जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं और बेनिफिशिएंट बीस्ट. हेयर व्हाट डज इट मीन? सच पीपल हु शो टू बी डूइंग गुड डीड्स. वो लोग जो सामने तो अच्छा दिख रहे हैं बट बैक में वो अच्छे नहीं हैं. लैक पुलिंग होती है, बैक बाइटिंग होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पीठ पीछे तो वो बहुत बुरे हैं लेकिन सामने वो अच्छा कर रहे हैं. उनकी गुड डीड्स इन पॉलिटिकल, इन पॉलिटिक्स यू कैन सी. जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो यही चीज़ करते हैं, सामने आपको गुड डीड्स दिखाते हैं लेकिन पीछे से वो ऐसे नहीं होते. ठीक है, तो रॉन्ग डूअर्स होते हैं लेकिन वो दिखाते ऐसे हैं दैट वी आर गुड डूअर्स, हम अच्छा कर रहे हैं आपके लिए. लेकिन इनडायरेक्टली जब तक उनका स्वार्थ नहीं होगा, वो सेल्फिश नहीं होंगे, तब तक वो कोई काम नहीं करेंगे. तो उनका बेनिफिशियर क्या था, ये लोग जो शो कर रहे हैं ना गुड डूइंग डीड्स बट आर एक्चुअली ग्रीडी, वो लोग क्या है एक्चुअल में, ग्रीडी है, बहुत लालची हैं. एंड आर एनिमल्स ऑफ प्रे हु शो दैट दे आर बेनिफिटिंग द अदर पर्सन बट इन रियालिटी. और जो वहाँ के गुड डूअर्स हैं वो ऐसा दिखाते हैं लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ग्रीडी हैं. और जो एनिमल्स हैं उनके, उनकी वो हंटिंग करते हैं ताकि वो ये शो कर सकें कि हाँ हम दूसरे लोगों की हेल्प कर रही है, उनके लिए बेनिफिशियल है. बट इन रियलिटी दे डिस्ट्रॉय देम. लेकिन इन रियलिटी में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली वो इनडायरेक्टली उनको स्पॉइल कर रहे हैं, उनका डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. द रिच पीपल एंड पॉलिटिशियंस आर डिस्क्राइब एज ग्रीडी गुड डूअर्स. और जो रिच पीपल हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, एज आई टोल्ड यू, उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है ग्रीडी गुड डूअर्स के नाम से एंड बेनिफिशियंट बीस्ट के नाम से. बिकॉज दे शो दैट दे आर हेल्पिंग द पुअर शेड ओनर्स. क्योंकि वो ये शो कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पुअर ओनर्स की हेल्प कर रहे हैं बट इन रियलिटी नथिंग लाइक दैट इज डन. लेकिन रियलिटी में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर रहे वो लोग. एक्चुअली दे आर एनसर्कलिंग देयर लाइव्स. वो अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ घुमा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं. एंड फोर्सफुली गिविंग दैम सच बेनिफिट्स. और जो बेनिफिट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को वो फोर्सफुली दिए जा रहे हैं. जिन लोगों को नहीं चाहिए उनको भी फोर्सफुली ये मिल रही है. विच हैव बीन वेल प्लान्ड. और ये ऑलरेडी पहले से ही प्लान्ड है एंड विल पुट दीज पुअर पीपल इन अ कन्फ्यूजन. और वो इन लोगों को कन्फ्यूजन में रखना चाहते हैं, उन्होंने कन्फ्यूज कर दिया इनको. दीज पीपल कैन नॉट डिसाइड वॉट इज गुड फॉर देम. ये लोग ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनके लिए अच्छा क्या है एंड वॉट इज हार्मफुल, और क्या उनके लिए नुकसान है, क्या बैड है उनके लिए. दीज सेल्फिश पीपल टेल टू द पुअर. ये सेल्फिश लोग जो हैं पुअर को बता रहे हैं दैट नाउ दे कैन रिलैक्स, क्या वो रिलैक्स हो सकते हैं. बट इन रियलिटी दे देमसेल्फ स्लीप ऑल डे लॉन्ग. लेकिन रियलिटी में क्या है, वो दिखाते तो ऐसे हैं हम बहुत वर्क कर रहे हैं, पूरे दिन वर्क कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो सब पूरे दिन लॉन्ग टाइम सोते हैं, स्लीप लेते हैं और कुछ नहीं करते. ऑल्सो दे डिस्ट्रॉय देयर स्लीप एट नाइट. और वो हम जैसों की स्लीप भी रात में डिस्टर्ब करते हैं. हम रात को सो नहीं पाते क्योंकि वो इतने अमेंडमेंट्स कर देते हैं, इतने चेंजेस ला देते हैं पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग. तो पॉलिटिशियंस करते ही ऐसा है तो हमारी नींद उड़ जाती है. और टू हैज़ बीन हैपनिंग सिंस द पास्ट. हम कब सोए थे रात में लास्ट में हमें पता भी नहीं होता, हम इतने टेंस्ड होते हैं, इतने कन्फ्यूज होते हैं. तो विलेजर्स के साथ भी ऐसा ही होता है. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the sequel. Squeal of brakes, the sound of a stopping car. Of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. And one did stop but only to plow up grass and using the yard to back and turn around. Here, in vain means without success or without result. Lurk means be or remain hidden so as to wait in ambush for someone or something. Plow means move in a fast and uncontrolled manner. The poet says that this kiddish desire, ये जो kiddish desire, बच्चों वाली desire है, बच्चों वाली जो want है, इच्छा है, in the hearts of these shed owners, ये shed owners के मन में यही तो है, हमारी बस help हो जाए, हमें कुछ earning मिल जाए, और क्या चाहिए? ये उनकी useless है.
he cannot tolerate their sadness. वो tolerate नहीं कर पा रहा उनके जो ये दुखीपन है, इनकी जो sadness है, which they go through when they open the window of the shed, जो कि shed की window से ये चीज़ open करनी चाहिए, मतलब उनकी आँखें खोल देनी चाहिए. Waiting for a car to stop, कि वो car से wait कर रहे हैं जिस car का वो आए और उनको देखे और कुछ वहाँ से ले. They wait there the whole day, पूरे दिन वो wait कर रहे हैं. And it seems that they are doing a prayer seeking a buyer for their goods. उनके गुड्स के लिए दे प्रे फॉर द व्हीकल्स टू स्टॉप ऑन द ब्रेक्स. वो ब्रेक लगाने का वेट कर रहे हैं कि व्हीकल्स आएंगे और यहाँ ब्रेक लगाएंगे, रुकेंगे, हमें देखेंगे, बट ऐसा नहीं है. एंड वॉन्ट टू हियर अ कार स्टॉप बाय, और वो चाहता है कि यहाँ पर कोई गाड़ी तो आके रुके एटलीस्ट, कि हम उसको रोक सके. देयर आर मेनी कार्स कैरिंग सेल्फिश पीपल, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि सेल्फिश पीपल कैरी कर रही हैं, बट होपफुली सम मे स्टॉप बाय जस्ट टू आस्क द प्राइसेस ऑफ प्रोड्यूस ग्रोन. वो इस उम्मीद में, इस एक्सपेक्टेशन में होपफुली कर रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ लोग यहाँ आएंगे शायद और पूछेंगे जो गुड्स हमने रखे हैं, जो आइटम्स हमने रखे हैं, उनकी प्राइस क्या है बाय द फार्मर्स देयर. वन कार डिड नॉट स्टॉप देयर, एक भी गाड़ी उसकी उम्मीद पे नहीं आई, वो कोई भी स्टॉप नहीं, बट जस्ट टू डिस्टर्ब द ग्रास व्हेन दे बैक देयर कार एंड टर्न अराउंड. लेकिन कार को डिस्टर्ब करने गई थी, उसके शेड वहाँ जो लगा था, उस प्रोग्राम को उन्होंने डिस्टर्ब जरूर किया डायरेक्शंस पूछने में, कई बार ये बताने में कि तुम्हारी ब्यूटीफुल सीनरी जो पीछे की बैकग्राउंड जो दिख रहा है उसको गलत है, तुम्हारी ये हट है बहुत ज़्यादा शैबी कलर लग रहा है, बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने डिस्टर्ब किया. And another to ask the way to where it was bound. And another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't. This crossly they had none. Didn't it see. No in country money. The country scale of gain. The requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then the next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. Here, requisite means required or needed. Sane means sensible or realistic. सम स्टॉप बाय टू आस्क डायरेक्शंस ऑफ द डेस्टिनेशन, कुछ डायरेक्शंस के लिए, एज आई टोल्ड यू कि वहाँ डेस्टिनेशन की डायरेक्शन पे पहुँचने के लिए रुक रहे थे, बट कोई भी उसके आइटम्स को देखने के लिए या खरीदने के लिए नहीं रुक रहा था. सम कार स्टॉप टू बाय फ्यूल फॉर देयर कार्स, वो फ्यूल खरीदने के लिए भी रुक रहे थे बट कोई उसके लिए नहीं रुक रहा था जो शेड ओनर था. Poet gets annoyed and says that they do not have any idea that these poor people cannot afford to sell fuel. और poet ने उसको क्या करा, annoyed कर दिया, ignorance दे दी अपनी, ignore कर दिया उनको, और ये कहा कि उनके पास कोई idea नहीं है कि वो poor people से कैसे afford कर सकते हैं कि वो उनको fuel बेचेगा. उसके पास इतनी capacity भी तो होनी चाहिए, वो daily का नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर वो fuel बेचने के लिए बैठा है. He adds that the kind of work these villagers do, जिस तरह का work वो villagers कर रहे हैं, and the kind of things they sell, और जो चीज़ें वो बेच रहे हैं, it cannot lead the required upliftment. उसको requirement है बहुत ज़्यादा और upliftment नहीं है उनके पास, इतना वो arise नहीं कर रहे हैं, इस level को वो afford नहीं कर सकते हैं. The resources are too less to help them get rid of their problem. उनके resources भी बहुत ज़्यादा कम हैं so that वो uplift कर पाएँ, rise हो पाएँ अपनी life में, इसलिए उनकी problems के लिए बहुत ज़्यादा less resources है. Their situation demands, उनकी जो situation है वो demand करती है एक solution को, which would be a relief to put them, ताकि वो एक relief दे सकें, उनको relaxation provide कर सके, ताकि वो उनकी problems के बाहर आ सकें. The next day, the poet thinks that when he is realistic, next day poet ने सोचा ये जब ये रियलिस्टिक हो जाए, जब ये प्रैक्टिकल ये चीज हो जाए, देन ही एक्सपेक्ट द रिच टू विजिट, तब वो एक्सपेक्टेशन रखेगा कि हाँ कोई अमीर आदमी ऐसा हो जो दिल का भी अमीर हो, बाय हार्ट वो अमीर हो, और वो यहाँ आए और हमारी हेल्प करें हमें इस प्रॉब्लम से निकालने में. उम्मीद है होपफुली कि बिफोर डेथ ये चीज़ हो जाए. तो होपफुली यू अंडरस्टैंड. थैंक यू स्टूडेंट्स.